क्वेश्चन नंबर 36, 33। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर वन बाय एक्स प्लस वन। तो प्लस वन का मतलब तो मल्टीप्लाई बाय ई है, ठीक है। क्या होगा ये क्वेश्चन में? कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, गड़बड़। और बोलो, छोड़ो और बोलो, ऑनलाइन और बोलो। 34th ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको तो ए की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ये होता है हमारा ln ऑफ ए, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जाएगा ln ए एंड डिनोमिनेटर में जाएगा ln b। तो ln a डिवाइडेड बाय ln b, प्रणव ठीक है, ठीक। हाँ जी और बोलो। 38 x की पावर n माइनस साइन x की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस साइन की पावर, वो साइन की पावर है वही है, पावर n x है, ठीक है। मतलब x पावर में नहीं है, साइन x है, साइन x की पावर n है। इस नॉन जीरो डेफिनेट देन n मस्ट बी, ठीक है। ठीक है, तो इन दैट केस वो ये बोल रहा है कि ये एक डेफिनेट नंबर है, तो n जो होगा नॉन जीरो डेफिनेट नंबर है, तो n जो है वो क्या है, ठीक है, ये ढूंढना। ओके, अब यार इसके अंदर मेरे को क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही है कि एक अलजेब्रा यूज हो रहा है और एक ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, राइट। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज हम इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन, साइन एक्स की सीरीज यूज करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि दो अलग अलग टाइप के हो रहे हैं, या फिर डेरिवेटिव वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, या तो डेरिवेटिव वगैरह कर लो। डेरिवेटिव करोगे उससे भी हो सकता है, चलो पहले डेरिवेटिव देख लो। वन माइनस एन साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, एंड ऊपर जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स की पावर एन इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब सोचो कि अगर एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये वन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। अब यार ये जो पावर एन माइनस वन है, ये डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वन बाय जीरो बन जाएगा, अदरवाइज वन बाय जीरो बन जाएगा, है ना। अच्छा, ऊपर से ये जो आ रहा है ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन वन माइनस कॉस एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स एंड कॉस एक्स, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है, तो ये चीज क्या जा रही है, ये जा रही है टुवर्ड जीरो, अज्यूमिंग पावर टू बी पॉजिटिव। तो ये जीरो जा रही है, ये वन जा रही है, ये कॉस जीरो जाएगा, तो ये ओवरऑल हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, एंड ये भी जीरो की तरफ जा रहा। तो फिलहाल जो चीज जा रही है ये जीरो की तरफ जा रही है, फिलहाल जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन ये चीज जीरो की तरफ तब जा रही है, ठीक है, जब पावर जो है वो नॉन जीरो। अगर यहां पे पावर ये वाली जीरो हो गई तो ये तो वन की तरफ जाएगा फिर, राइट। तो एन को अगर मैंने वन ले लिया, ठीक है, एन को अगर मैंने वन ले लिया,
तो ये क्या जाएगा मेरा n, मतलब ये पावर क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वन हो जाएगा। एंड यहां पे क्या आएगा, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, राइट, एंड ये जीरो ना एच की पावर, ये तो वन हो जाएगा, पावर जीरो हो गई, और ये जा रहा है हमारा कॉस एक्स और ये एन जा रहा है वन, तो वन माइनस, तो अब ये कट के वन की तरफ जाएगा, यानी कि नॉन जीरो क्वांटिटी की तरफ जाएगा, अब जाएगा। ठीक है, डन। और बोलो ऑनलाइन, और बोलो। हाँ, 39th क्वेश्चन बोल दे भाई, वो स्टेटमेंट लिमिट वाली। हाँ, नहीं वो लिमिट वाला। तो ए एंड बी ढूंढने है ना, ये है ना, चेक कर ले। ठीक यस है, ओके, तो बन गया 2x प्लस ax cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। या तो देख, डेरिवेटिव कर सकता है, तीन तीन बार करना पड़ेगा क्योंकि नीचे तीन, या तो तीन बार डेरिवेटिव कर ले, लेकिन उससे क्या होगा, ये वाली चीज जो प्रोडक्ट फॉर्म है ना, ये गंदगी क्रिएट कर सकती है। क्या इतनी करेगी, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, चल करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 3x² इधर आ गया टू, ठीक है, इधर आ गया प्लस ए टाइम्स एक्स एज इट, एक्स का डेरिवेटिव वन कॉस एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज कॉस का माइनस साइन, तो इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर से डेरिवेटिव किया तो ये आ गया 6x, ये इसका जीरो हो गया, ये ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन बचा साइन एक्स, प्लस एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, एंड माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, ये बन गया मेरा ए माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ए इंटू माइनस टू साइन एक्स एंड माइनस माइनस, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, सॉरी, माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6x। ठीक है, यस, अब ओपन कर दो। साइन एक्स का क्वेश्चन क्या आ रहा है, माइनस टू ए माइनस बी, डिवाइडेड बाय एक्स, एंड ये माइनस एक्स कोस एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाय 6x, एक्स एक्स कटेगा, तो माइनस ए कोस एक्स डिवाइडेड बाय, ओवरऑल डिवाइडेड बाय 6, तो चलो है ही है, ये चीज आ गई। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो करोगे, राइट, तो ये जाएगा वन, ये जाएगा वन, तो माइनस टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस ए, सॉरी, माइनस ए डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया, तो माइनस थ्री ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 6 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, तो 6 टू द 12, एंड ए एंड बी की वो वाली वैल्यूज ढूंढ लो आप जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसे ए एंड बी की वैल्यू का देंगे। सर आपके पास बताया था ना कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो चीज जीरो नहीं क्रिएट करती उसको एज इट इज लिख सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर सकते हैं, जैसे वो ए एक्स कॉस एक्स है, ए एक्स कॉस ये एक्स एडिशन है। पर एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स कॉस एक्स तो मल्टीप्लाई हो रही है नहीं, आपस में नहीं, पूरी ओवरऑल चीज के अंदर इट्स लाइक वो प्रोडक्ट की फॉर्मूला होना चाहिए, फिर जाके होता। ठीक है, और बोलो नेक्स्ट। ऑनलाइन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 48। ओके,
ई की पावर एक्स की पावर फोर माइनस टू कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, राइट। यार अब देखो इसके अंदर पता क्या कर सकते हो, ठीक है, कि ई की पावर की सीरीज लगा दो एंड कॉस की सीरीज लगा दो, सबसे बेस्ट चीज है। क्यों? क्योंकि चार बार तो नहीं डेरिवेटिव कर रहे यार, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, e की पावर x की जो सीरीज होती है, दैट इज x की पावर 0 बाय इस पर लग जाएगा ना 0 बाय 0 क्या 0 को करेंगे तो ये 0 cos 0 1 ओके। तो एक्चुअली में इंडिटरमिनेट, फिर पता क्या है, फिर ये 2 नहीं आना, फिर ये 2 नहीं है, मतलब डेफिनेटली क्वेश्चन क्वेश्चन में गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है। ये क्वेश्चन लेके जाओ, ये क्वेश्चन लेके जाओ, अब तो हो जाएगा, ठीक है। और बोलो, फिफ्टी लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू कोट एक्स माइनस कोट एक्स ओवर पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू कोट एक्स माइनस कोस एक्स बाय एक्स माइनस टू पाई का सॉरी पाई माइनस टू एक्स का होल होल, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, कॉस को लिखा, इसको कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, कॉस कॉस कॉमन आ गया, बचा वन बाय साइन माइनस वन, तो वन माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय साइन एच पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू। अब वो जो बोल रहे थे ना कि जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, वो क्या था, वो ये था। अब साइन एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है एंड साइन पाई बाय टू क्या होता है वन, तो अब वन पुट कर सकते हो प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि ये लिमिट को इवैल्यूएट करने में हेल्प नहीं करा, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, इसको लिखा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, ठीक है, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स एंड हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो आ गया एक कॉस एक्स एंड इसको तुम लिख सकते हो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू वन माइनस कॉस का हाफ एंगल दैट इज टू साइन स्क्वायर इसका हाफ दैट इज पाई बाय टू माइनस एक्स का हाफ डिवाइडेड बाय एक पाई माइनस टू एक्स इधर लाया एंड पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इधर आया, ठीक है। इससे स्केयर कॉमन ले लिया एंड ये टू एज इट इज बाहर आ गया, ठीक है, यहां से टू कॉमन लिया ये आ गया, तो ये तो वन बन गया, ठीक। अच्छा इधर से टू कॉमन लिया इसका पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स लेकिन हाफ चाहिए, तो मैंने क्या किया हाफ एंड इंटू टू, तो अब जाके ये चीज क्या गई वन, तो बचा 1 बाय 4 का स्क्वायर दैट इज 1 बाय 16 इनटू यहां पे ये कटा ये 2 2 कटा तो ना वाला, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। सर राइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखो फिफ्टी थ्री में क्या बोल रहा है वो, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, दैट इज गिवन टू मी फोर, तो ए एंड बी क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखो अगर ये इंफिनिटी फॉर्म जा रही है
तो ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए, नीचे तो डेफिनेटली लीनियर, तो ऊपर भी लीनियर होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी बन के आएगा वो जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स इंटू एक्स, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू वन माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स, तो माइनस बी एक्स माइनस बी इंटू वन, तो माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है वन एन माइनस ए, ठीक है, प्लस एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है इधर इधर एंड इधर से, दैट इज वन माइनस ए माइनस बी, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है वन माइनस बी, टोटल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो ये नहीं होना चाहिए ताकि ऊपर नीचे डिग्री सेम हो जाए, तो अगर ये नहीं है तो ए की वैल्यू तो वन आ गई, ठीक है, तो ये गया, अब ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये गया, ये आ गया बाय एक्स, ये वन आ गया, ये आ गया बाय एक्स, ये जीरो ये जीरो, तो बचा वन माइनस ए माइनस बी एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे ए को वन पुट करो, वन माइनस वन गया तो माइनस बी इज फोर, तो बी इज माइनस फोर, तो ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू माइनस फोर, ठीक है। और बोलो जैसे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से एम निकालना, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, मतलब ट्रिक होती है, हमें देखना है, देखो ऊपर नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, नीचे नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, राइट, तभी जाके वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जाएगा ना, है ना। अब देखो ये वन माइनस कोस एक्स जो होता है, राइट, तो ये इनटू एफ ऑफ एक्स है, अज्यूम करो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसका शॉर्टकट अब क्या है, ये कैसे पता चलेगा कि ये कितने जीरो की तरफ जा रहा है, हाफ इंटरवल में कन्वर्ट कर दो इसको, राइट, तो ये आएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इनटू एफ ऑफ एक्स, तो ये ऐसा हो गया, है ना। और इसको करने के लिए एक एक्स चाहिए रहता है, तो स्क्वायर को करने के लिए दो एक्स, यानी कि इसकी डिग्री टू है, यानी कि दो एक्स इसको चाहिए जीरो बाय जीरो फॉर्म को हटाने के लिए, तो वन माइनस कोस एक्स या कोस एक्स माइनस वन को तो पता चल गया कितने जीरो चाहिए, दो चाहिए। अब साथ में क्या लिख रखा है, कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, है ना। अब इसको कितने जीरो चाहिए हैंडल करने के लिए, ठीक है, हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना है, उसके लिए हमने क्या किया, कॉस की एंड ई की बार एक्स की सीरीज लगा दी, तो कॉस एक्स की सीरीज वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पार फोर बाय फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस ई की बार एक्स की सीरीज वन प्लस एक्स बाय वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इससे क्या हुआ, ये वन वन कटा, ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा उधर एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल का डबल, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यूब वाली टर्म नहीं आ रही, फिर एक्स की पावर फोर वाली टर्म आएगी प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, अच्छा इधर से क्यूब आएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वाली टर्म भी आएगी, ठीक है, एंड सो ऐसा बन जाएगा, राइट। अब ये सोचो इधर से ओवरऑल एक एक्स कॉमन आ रहा है और बचेगा माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, अब इसके अंदर एक्स टेंड्स टू जीरो करोगे तो ये एक्स को हैंडल करना है, ये सारे तो जीरो हो जाएंगे तो बचेगा माइनस वन, तो एक ही एक्स को हैंडल करना है, तो टोटल तीन एक्स को हैंडल करना है, राइट, तो नीचे थ्री मिनिमम, मिनिमम नहीं एग्जैक्टली थ्री होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा हुई तो एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जीरो, और अगर कम हुआ, राइट, तो नीचे कम जीरो ऊपर ज्यादा जीरो तो वो जीरो की तरफ चल देगा, राइट, तो लेकिन हमें चाहिए नॉन जीरो, राइट, तो इक्वल नंबर ऑफ, एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ जीरो, तो तीन बात कर रहा हूं, तो ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरो जो न्यूमरेटर में जा रहे हैं, मतलब फैक्टर्स जो जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं न्यूमरेटर में, राइट, वो कितने हैं। हाँ, इसलिए वो जीरो था ना, वो कितने जीरो चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए, नॉन जीरो बनाने के लिए, वो चीज, ठीक है, और बोलो। स्टेटमेंट है 2x इनटू सीक्वेंस में 2x, एक सेकंड, हाँ जी, 2x इनटू सीक्वेंस में 2x, सीक्वेंस के 2x, अभी इधर लेफ्ट एंड राइट प्लस प्लस हो रही है ना, पर एक्सपेंशन क्या है, क्या क्या हो रहा है, और वैल्यू है पर प्लस हो रही है और एक्सपेंशन जीरो, यहां पर हम सीक्वेंस में 2x को नहीं लिख सकते ना, नहीं 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 सारी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, और
56 क्या हो गया? Does not exist left मोड आ जाएगा ना? डी आना चाहिए, डी does not exist आना चाहिए, नहीं 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 अच्छा एक सेकंड रुको, does not exist दोनों है because ठीक है, सी ऑप्शन है x minus 1 times to 0 and डी ऑप्शन है because left limit is not equal to right limit. देखो भाई डी ऑप्शन तो करेक्ट है ठीक है, क्योंकि दोनों की लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग जा रही है. अब सी ऑप्शन में बोल रहा does not exist because x minus 1 tends to 0. भैया x minus 1 tends to 0 तो है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, x tends to 1 है तो x minus 1 tends to 0. लेकिन x minus 1 tends to 0 होने के कारण ये does not exist है, नहीं ये वैलिड नहीं है, सी नहीं है, डी आंसर है. ठीक है और बोलो. ओके पहली बात तो ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एक सीरीज आती है डेफिनेट इंटीग्रल में. हाँ ये वही वाली है, कन्वर्ट करना होता है इसको, और इसका पहचानने का तरीका है n टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है ना, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n इक्वल टू r इक्वल टू 1 से लेके 2n एंड एक 1 बाय n बाहर है उसको अंदर ही ले जाओ, तो r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू 1 बाय n. ठीक है अच्छा, अब हमने क्या किया, r बाय n बनाना होता है ना, तो हमने यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया r बाय n का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड n बाहर आया वो n r के साथ मिल के r बाय n हो गया एंड ये 1 बाय n एज इट इज समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो ये इंटीग्रेशन x बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये dx बन गया और लोअर लिमिट जा रही 1 बाय n n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 2n बाय n n टेंड्स टू इंफिनिटी 2. तो ये आंसर. ठीक है अब इस पूरी चीज को t ले लो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये अंदर t है तो ऊपर dt है, तो dt बाय रूट t, तो हाफ ऑफ dt बाय रूट t यानी कि t की पावर माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन, तो t की पावर प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 और साथ में आगे भी 1 बाय 2 था ये कटेगा, तो t की वैल्यू पुट कर दो दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट. ठीक है कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, और जो बाहर वाला हाफ है वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो पुट रूट 5 माइनस 0 पुट करके 1 तो रूट 5 माइनस 1. ठीक है ना और बोलो. 63 क्या हुआ, अच्छा जी मेरे को कुछ नहीं, ठीक है देखते हैं. तो x into box x plus mod x into sine of box x divided by mod x limit x tends to 0 from negative. अब ये 0 from negative side है तो box x क्या होगा, minus 1, तो यहां पे directly minus 1 लिखो. ठीक है और ये ओपन होगा माइनस एक्स, तो माइनस 1 माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स ओपन होगा एंड ये माइनस 1 बन जाएगा. ठीक है ये आ गया, अब ये 0 0 कटा, माइनस इसके साथ जाके प्लस हो गया, एक्स को 0 पुट किया, 1 1 इनटू साइन माइनस 1 तो माइनस साइन 1. ठीक है और बोलो ऑनलाइन, बोलो बोलो प्लीज डाउट बोलो. 65 में let f be a differentiable function such that f dash x is this, ठीक है then this, इसके लिए यार पहले तो integrate करना पड़ेगा.
ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स, है ना, है लिमिट का क्वेश्चन, बट पहले एफ डैश एक्स जो दे रखा है राइट, दैट इज सेवन माइनस थ्री बाय फोर एफ ऑफ एक्स बाय एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को वाई ले लो, और ये एफ डैश एक्स जो है ये डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये चला गया, ठीक है। तो अब एलसीएम लोगे तो ये होमोजीनियस भी जा सकता है, मैं इसको लीनियर लेके जा रहा हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री बाय फोर एक्स इंटू वाई इक्वल टू सेवन, तो ये पी एक्ट करेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर, इसका इंटीग्रेशन थ्री बाय फोर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये तो एल एन एक्स आ गया, तो e की पावर 3 बाय 4 ln x, और ये 3 बाय 4 x की पावर में चला जाएगा, e की पावर log e x की पावर 3 बाय 4, तो ये गया, तो बचा सिर्फ x की पावर 3 बाय 4, तो y into integrating factor equal to integrating factor that is x की पावर 3 बाय 4 into q that is 7 dot dx integration, तो ये क्या जाएगा plus 1 divided by, तो ये प्लस वन करके क्या आ जाएगा 7 बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 7 बाय, तो ये क्या डिवाइडेड बाय 7 एंड ऊपर 4 आ गया, ये गया प्लस सी, तो y इंटू x की पावर 7 बाय 4 हो जाएगा, तो y इंटू x की पावर 3 बाय 4 दैट इज 4 इंटू x की पावर 7 बाय 4, ठीक है, प्लस सी, तो x की पावर 3 बाय 4 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब करना है हमें एफ ऑफ एक्स यानी कि y, नहीं एफ ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या जाएगा, ये दिस इज एफ ऑफ एक्स ना, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या जाएगा, इसकी जगह नीचे आ जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 बाय 4 प्लस c डिवाइडेड बाय नीचे 1 बाय x की पावर 3 बाय 4, एलसीएम लेके इधर x की पावर 7 बाय 4 ये, एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कटेगा राइट, तो ये इसके साथ कट के बचा 4 बाय 4, ये पावर ये डिनोमिनेटर ऐसा आ जाएगा ना 4 प्लस c इंटू x की पावर 7 बाय 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 बाय 4 इंटू x की पावर 3 बाय 4, ये इधर आके माइनस 3 बाय 4 तो 4 बाय 4 तो x आ गया, दैट इज योर f ऑफ x, सॉरी f ऑफ 1 बाय x। अब इंटू x करना है तो इंटू x किया तो ये गया, अब इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 From positive side. तो इसके अंदर लिमिट x tends to 0 करोगे तो ये 0 तो बचा 4, तो 4 आंसर, ठीक है, ये था। और बोलो, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes sir. ठीक है, बोलो बोलो सर। 64th देखो, 64th स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 4 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 4 लिमिट वाई टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये अगर 0 गया तो ये रूट 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 रूट 2, root 2 minus root 2 0 and yes it's 0 by 0 form, तो rationalize कर दिया, तो ये जाएगा and ये जाएगा and इसी का 1 by square root of 1 plus 1 plus 1 की पावर 4 and plus 2 square root of 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 minus 2 minus 1 तो ये आ गया minus 1, हाँ बिल्कुल, तो ये रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू, तो इसको डायरेक्टली टू रूट टू लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, ये आ गया, अभी भी ये जीरो बाय जीरो जा रहा है, फिर रैशनलाइज कर दिया, तो ये एंड इसका स्क्वायर इनटू वन बाय वन प्लस वाई की पावर फोर स्क्वायर रूट प्लस वन, इनफैक्ट ये भी क्या जा रहा है टू टू, वाई टेंड्स टू जीरो है ना, तो वन प्लस वन टू, ठीक है, तो ये वन वन कटा, ये गया जीरो बाय जीरो गया, तो वन बाय फोर रूट टू, दैट्स इट। क्लियर है ऑनलाइन?
यस सर. ठीक है और बोलो नेक्स्ट प्लीज. सिक्सटी सिक्स में वन माइनस मॉड एक्स प्लस साइन मॉड वन माइनस एक्स. ठीक है एंड यहां पे ब्रैकेट बंद हो रही है. इनटू साइन पाई बाय टू इनटू वन माइनस एक्स. अब यहां पे बॉक्स है, मैं वही देख रहा हूं, वो बॉक्स है. डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का मॉड इनटू वन माइनस एक्स का मॉड इनटू वन माइनस एक्स का बॉक्स. लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड. अब यार अगर वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड है तो ये तो वन ही ओपन होगा. वन पॉजिटिव से होता नेगेटिव से होता ये तो वन ही ओपन होता है ना. अब वन फ्रॉम पॉजिटिव साइड तो ये वन से बड़ी चीज है, तो वन माइनस वन से बड़ी चीज क्या जाएगी? नेगेटिव. तो ये नेगेटिव ओपन होगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव. ये नेगेटिव ओपन होगा. अच्छा अब बचाइए, तो ये वन बेसिकली वन माइनस एक्स टू होगा, वन माइनस वन प्लस एच आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस एच. तो बेसिकली माइनस एच मतलब जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो ये तो माइनस वन बन जाएगा. ठीक है ये भी माइनस 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 प्लस, और ये माइनस साइन माइनस फाइव बाय टू माइनस वन, तो ये इधर आ गया सिंपली माइनस वन. अब देखो क्या कर सकते हैं. ठीक है तो ये अलग अलग कर दिया, वन बाय एक्स बाय वन बाय एक्स वन माइनस साइन वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इंटू माइनस वन. तो ये तो वन चला गया, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो जा रहा. ठीक है और बोलो. हाँ मतलब लिमिट को यूज करके डिफरेंशिएबिलिटी निकाली जाती है ना. कंटिन्यूटी है तो है, लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकते नहीं भी कर सकते, क्योंकि पीक अगर आ गया तो इट मीन्स वो टूटा हुआ नहीं है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करते बट डिफरेंशिएबल नहीं है. और अगर टूटा हुआ है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिसकंटिन्यूस है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी राइट, तो वैसे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा. और बोलो हो गए थे. ठीक है ऑनलाइन कोई है तो बोलो.